10 साल हो गए हम यहाँ पे आते आते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम पहुंचे हुए हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पे और अभी हम जा रहे हैं खाने वाले बहुत सारे पराठे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं पराठे वाली गली। यहाँ से जो है आपको लाल किले से रिक्शा पकड़ना पड़ेगा और यहाँ से सीधा जो है, चलिए भैया गाइस अभी जो है हम लोग यहाँ से चांदनी चौक क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है देखिए इतने सारे रिक्शे यहाँ पर लगे रहते हैं। तो आप लाल किला मेट्रो उतर करके यहाँ से ये वाला रिक्शा ले सकते हैं पराठे वाली गली के लिए और ये जो है चांदनी चौक मार्केट है। और गाइस ये है गुरुद्वारा शीशगंज, ये देख सकते हैं आप, हम लोग इसे भी क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं पराठे वाली गली में, तो वहां से आप पैदल भी आ सकते थे लाल किले स्टेशन से। तो गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान है बल्कि यहाँ पर जो है कि भरमार है, आप देख सकते हैं गया प्रसाद शिव चरण। और यहाँ पर आकर के हम लोग बैठ जाते हैं, आलू पराठा है, पल्स पराठा है और दाम सबका यहाँ पे दिया हुआ है 180 रुपये, 180 रुपये। तो ये है चीज़ पराठा, लेमन पराठा, ड्राई फ्रूट पराठा 200 रुपये का है, बिटर गार्ड। और यहाँ पर देखिए टमाटर का पराठा है, चीनी का पराठा है, इस तरह से सारे पराठे हैं। आप यहाँ पर राबड़ी का पराठा देखिए, चीज़ पराठा, आलमंड का पराठा, तो इसलिए सबका दाम भी जो यहाँ पे है 200-200 रुपये, 250-250 रुपये है। ये कैसा लगता होगा पापड़ पराठा? और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी लोग हैं और सामने में अंकल बैठे हैं। तो ये जो लिए हैं ये ड्राई फ्रूट पराठा है। और गाइस फाइनली ये देखिए, ये है बेसन मेथी पराठा, हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और इसके साथ में ये देखिए सब्जियाँ, देखिए सब्जियाँ बहुत सारी मिलती हैं यहाँ पर, अनलिमिटेड मिलेगी आपको। और साथ में एक चटनी भी यहाँ पर है और ये आलू है, ये सैलेड भी दे रखा है साथ में। तो ट्राई करते हैं कैसा लगता है बेसन मेथी पराठा। ये जो चटनी है देखिए, ये केले की चटनी है और ये जो है काफ़ी टेस्टी भी है। यहाँ पर जो सब्जी होती है ये अनलिमिटेड है, तो जितना सब्जी आप यहाँ पे चाहें उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ डालना भैया। तो गाइस सब्जी जो है काफ़ी टेस्टी है यहाँ पर है। और सामने में जो अंकल हैं ये लोग यहाँ के बहुत ही पुराने हैं। ये देखिए गाइस ये पूरी शॉप है और वहाँ पर देख सकते हैं आप सामने में जो है वहाँ पे किस तरह से पराठा छना रहा है। तो वहाँ पर जो है हमारे कुक हैं, इस तरह से छानते हैं ये लोग पराठे को। और सामने में हमें एक अंकल आंटी मिले हैं और ये लोग बड़े फ्रेंडली हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पराठा मंगाया एक साथ और एक हम लोगों ने शेयर कर लिया है। तो अब हम चाहेंगे कि अंकल से थोड़ा सा बात करें। तो अंकल यहाँ पर मतलब आपका कुछ बताइए एक्सपीरियंस, यहाँ पे कैसा पराठा है, कब से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? 10 साल हो गए हम यहाँ पे आते आते। 10 साल? अच्छा, और 7 ही बार खाना आए हैं यहाँ पर, 7-8 बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे आप आए हैं तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे आ रहे हैं? अब तक हमें कोरोना काल के बाद ही आए हैं। अच्छा, कोविड के बाद आए हैं? कोविड के बाद। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग का मतलब मालूम होगा कौन कौन से पराठा आप ट्राई कर चुके हैं यहाँ पे? सारे चेक कर रखे हैं मुझे भी इनके। तो ये सब जितने सब तो अंकल जो है ना ये सारे पराठे जो है सब कुछ यहाँ पे चेक कर रखे हैं। फैमिली आती है, आज हम 2 आए हैं। क्या आंटी? फैमिली आते हैं हमेशा साथ, हमारी फैमिली बच्चे अपने घूमने गए हुए सब, तो आप लोग इतना यहाँ पे। चलो सही, अच्छा है। तो मूवी देखने जा रहे हैं। तो गाइस ये जो पराठा है ना ये असल में हम लोगों को मालूम था नहीं कि यहाँ का फेमस है, तो अंकल ने एडवाइस किया हम लोगों को, तो फिर हम लोगों ने इसको लिया है। और गाइस ये देखिए, इसको अगर हम खोलते हैं यहाँ पर तो अंदर में देखिए, अंदर में जो है पूरी रबड़ी है इसके अंदर। और हम टेस्ट करते हैं इसको, बताते हैं आपको फिर कैसा लगा। अब देख सकते हैं इसके अंदर रबड़ी कितनी सारी है और ये जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत सही है। तो हम आपके वहाँ पे गए थे, लिट्टी चोखा खा के आए थे। अलग होता है लिट्टी से, और लिट्टी और बाटी सेम ही रहता है। बैंगन तो बैंगन के भरता तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। यहाँ पे बैंगन भरता होता है, हमारे यहाँ दाल होती है, हमारे यहाँ दाल होती है। अच्छा, आपके यहाँ दाल होती है बाटी के साथ? बाटी दाल बाटी दाल बाटी दाल बाटी।
तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है लिट्टी चोखा की बात चल गई, हम लोग पराठे वाला पराठे खाने के लिए आए थे और कहाँ हम लोग बिहार राजस्थान चले गए हैं। तो पराठा ऐसा है मतलब कि लोगों को मिला दे रहा है। और अंकल ये भिंडी के पराठे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भिंडी कभी खाया नहीं है, भिंडी का पराठा। तो हम लोग सोच रहे की भिंडी का पराठा गाइस यहाँ पे पैक करा लेते हैं, तो भिंडी का पराठा घर जाके खाएंगे। तो हम लोग पैक करा लेते हैं भिंडी का पराठा। आप लोग लो भिंडी के, हाँ पैक करो। तो गाइस फाइनली जो है हम लोगों ने पराठा यहाँ पे खा लिया है और टेस्ट मैं बताऊँ बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पुरानी दिल्ली आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो गाइस मिलते हैं फिर आपके साथ एक और किसी नए वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।